भैया मैं व्यापार नहीं करता काम, तो आपने हमको जो है प्रत्याशी बनने के बाद पराया बनाने का काम क्यों कर रहे हैं भाई? आपको पराया नहीं बनाया, पांच साल दिखावेंगे। अगर आप मने बना लिए हो कि विनोद के ना सुने के ना देखे तो कोई बतिए नहीं ना। दस साल, अरे भाई दस साल में जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कोई गांव कोई गली नहीं बचा जहां मैं गया नहीं। शादीपुर नहीं गया कब हो? हाँ शादीपुर नहीं गया हो? चलिए अभी मैं जहां हूँ वहां की बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और जब कादीपुर चलेंगे तो वहां भी बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं। वीडियो भी ऐसा कि जिससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब हो रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जनता जो है प्रत्याशियों और चुनाव में जो दौरा कर रहे हैं नेता या मंत्री, उन पर लगातार हमला हो रहा है। अगर हम बात करें कि हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें संजय निषाद एक शादी समारोह में जाते हैं तो शादी समारोह में कुछ लोग उन पर हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं। एक वीडियो और भी सामने आता है, उनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जब वो जनता के बीच जाते हैं, उनके बीच बैठते हैं और चुनाव के सिलसिले में जब डिस्कशन होता है तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि पिछले अब तक 5 साल से कहाँ थे। तो जिस तरह का वीडियो सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोकसभा इस बार चुनाव में बीजेपी की जो छवि है वो काफ़ी धूमिल दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी इस पूरी घटना को जो है विपक्षी पार्टियों के मत्थे मरने का काम कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष पार्टी के लोग हैं जो इस तरीके से घटना जो है अंजाम दे रही हैं। तो वहीं अगर बात करें कि कांग्रेस भी इसका सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रहा है कि बीजेपी ने जितने भी काम किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक धरातल पर ही था, एक स्तर पर था, वो कभी भी जनता तक नहीं पहुंच पाया है। उनके नेता भले ही सांसद बन गए लेकिन जनता तक कभी गए नहीं। संजय निषाद को ले लीजिए या फिर ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए, इनको पद तो मिल गया लेकिन सम्मान नहीं मिला है। पहली बात तो ये देखिए, चाहे संजय निषाद जी के साथ जो व्यवहार हुआ या राजभर जी के बेटे के साथ, उनके क्षेत्र में जिस तरीके से उनको झुककर माफ़ी मांगनी पड़ी और एक तरीके से रो ही रहे थे कि मेरी मदद कर दो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चाहे ओबीसी हो चाहे दलित हो, उसके लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है। वो वोट तो चाहते हैं मगर सम्मान नहीं देना चाहते, पहली बात। दूसरी बात और महत्वपूर्ण है, 5 साल में जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ है जुमलों के अलावा, और अब इनके सांसद अपने क्षेत्र में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चाहे वो जो विनोद सोनकर का वीडियो जो वायरल है वो देख लीजिए, किस तरीके से हूटिंग उनकी हो रही है। तो मैं उसको हूटिंग नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि जनता अपने जो गुबार है वो सांसद मिले हैं, अब तक तो सांसद गायब थे। अच्छा सांसद गायब क्यों थे? क्योंकि उनके हाथ में कुछ था नहीं। यहाँ तो एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है ना, जिसको कहते हैं अति सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था। सांसद का मतलब कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, किसी को फ़ोन नहीं कर सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता, और काम ग्राउंड लेवल पर कुछ हो नहीं रहा है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। तो लोग उबे हुए हैं, लोग परेशान हैं और लोग बुरी तरीके से नाराज़ हैं, तो इनको वो अपनी जगहों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरे की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं शुरुआत में संजय निषाद को रखा, ओम प्रकाश राजभर को रखा और रख के इनको कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया है, और दूसरी तरफ से आपका कहना है कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो किस तरह का सम्मान और चाहिए होगा? क्या सिर्फ मंत्रालय दे देने से सम्मान होता है? जो क्षेत्र में जो उनके साथ हुआ वो क्या था? सवाल इस बात का है कि यहाँ मंत्री तो बना देते हैं मगर वो मंत्री किसी को एक फ़ोन कर एक काम नहीं कराता। हर मंत्री के ऊपर एक अधिकारी लगा देते हैं जो उसकी कलम पकड़े बैठा रहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो
पिछली बार आपको याद होगा कि राजभर जी नाराज होकर क्यों गए थे, वो तो थे, हिस्सा थे ना कैबिनेट का, तो क्यों गए, क्यों थे, इसीलिए तो गए थे, यही तो नाराजगी थी कि अपने मन का कुछ नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, कहने को मंत्री हैं, अपने विभाग का ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपने विभाग के अधिकारी को बुलाकर दो लाइन नहीं कह सकते कि अपने पसंद का कोई काम नहीं कर सकते। तो सवाल इस बात का है कि मंत्रालय देना और ना देना सम्मान नहीं, सम्मान ये है कि नेता को काम करने दिया जाए, वो जन नेता है, जनता का नेता है, वो अधिकारी नहीं है या कोई सरकारी बाबू नहीं है, वो नेता है, जनता के बीच से आया है, जनता को जवाब देना है उसको, जनता को जवाब खाली मोदी जी को नहीं देना है, जनता उस नेता को भी देना है जो जनता फील्ड में जाकर काम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस तरह की जो वीडियो सामने आ रहे हैं क्या लोकसभा चुनाव में ये कितना असर डालते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवास साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।